वेलकम टू ट्यूशन एजुकेशन फॉर बेटर टुमरो। पहले आज हमें क्लास टेन्थ ज्यामिति पाठ ठीक है चैप्टर नंबर टू बा द्वितीय अध्याय वृत्त ताबा सर्कल ता विषय आलोचना करवा। यहाँ हूँ फास्ट भिड वृत्तर इसे देख पूर्वर आम विभिन्न प्रकार चित्र मतलब चतुर्भुज विषय पढ़ी सारी आयत क्षेत्र हो या तो फिर वर्गचित्र रम्बस एसब विषय में डिस्कस कर सारी या रिलेटेड क्वेश्चन को सल्व करते। आज क्लास वृत्तर बेसिक जो मैंने हूँ तार संज्ञा क्या कह ज्या कौन व्यासार्ध कौन व्यास कौन से विषय में जानवा रईट। देख बहुत पार्ट या भितर बहुत गुड़ाए पार्ट तुमको जना थी अलमोस्ट जे सार व्यासार्ध कौन कह बट मु तो ग्यारंटेड जेहतु क्लास टेन्थ्रे इनक्लूड कर तो किसी ना कि तो गोटे नुआ कनसेप्ट दे किसी ना कि गोटे नुआ कनसेप्ट तुम आग को आसो डेफिनेटली आसव समथिंग न्यू तुम आगे निश्चित आसव ठीक अच्छे तुम्हें जाणी थी पार तार संज्ञा कौन जमी आम देखुले आर्ट चित्र हो वर्गचित्र क्षेत्र में हो सपोज मुझे गोटे एग्जाम्पल कह आर्ट चित्र जब एग्जाम्पल कह आम मानक प्रथम रूम पढ़ुले कौन मुँह तो पढ़ी एमती कौन पढ़ी आम ना हूँ जो चतुर्भुजर विपरीत बाहु सामान प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री ताकू आम आयचित्र कह बट प्रीवियस क्लास जो आम डिस्कस कर आयचित्र विषय तार एक्चुअली बेसिक संज्ञा कौन पाइल जो चतुर्भुजर कोण मान 90 डिग्री 90 डिग्री ताकू आयचित्र कह जाए आयचित्रर गोटे पार्ट हूँ कौन आयचित्र को भांगी देले से बाहर कौन हो तुम हूँ वर्गचित्र तेना प्रत्येक वर्गचित्र को आयचित्र कह जाइपर किसी नुआ बाहर सिमिलरली समस्त आयचित्र वर्गचित्र नुहत किसी नुआ बाहर आ प्रत्येक आयचित्र हूँ गोटे गोटे सामांतरिक चित्र से कथा आम जानले राइट। तो सेमती एक्जाक्टली से भाया एटी भी सेमती किसी ना कि न्यू कनसेप्ट तुम आगे आसव जस्ट वेट एंड वाच ओके। देख वृत्तर प्रथम संज्ञा कौन कहे आगे देख लो सी कहे आगे संज्ञाटा को पढ़ने या विषय डिस्कस करवा ओके। संज्ञा कौन कहे ना गोटे समतल अवस्थित कौनसी एक दत्त बिंदु ठारु प्रथम संज्ञाटा को पढ़ी नौ तापर कहे एक निर्दिष्ट दूरतार उक्त समतल अवस्थित समस्त बिंदुर सेट को सर्कल बा वृत्त बोली कह जाए प्रथम कथा आउ थे पढ़ु एक समतल अवस्थित यहाँ गोटे प्लेन ठीक अच्छे ये गोटे प्लेनटा यही समतल मैंने जो समतल रईट यही समतल जो समतल नहीं चाहे अवस्थित ठीक अच्छे एक समतल अवस्थित कौन सी एक दत्त बिंदु ठार सपोज यहीटा गोट ठीक एक निर्दिष्ट दूरतार राइट एक निर्दिष्ट दूरता उक्त समतल अवस्थित दैट मीन्स देख ये मुझे यू गोटे जिनस पूरा क्लीयर हो जाए दरकार क्या एमती मुझे बनइली ठीक अच्छे हाथ में प्ले ड्र कर दैट फाइट के बंका देखा थिबो राइट ओके। देख निर्दिष्ट दूरतार दैट मीन्स पे सपोज यटा को ओ बिंदु बोली ना दे होटा ए बिंदु यटा बी बिंदु यटा सी डी ई एफ तुम चाहिए या पर असंख्य बिंदु एमती ड्र कर असंख्य ड्र कर ठीक है यटा को जी नहीं जाओ यटा को के नहीं जाओ बा एफ नहीं जाओ किसी भी नहीं जाओ से कौन कहला डेफिनेशन को भल गोटे समतल अवस्थित कौन सी एक दत्तबिंदु ठार दत्तबिंदुटा हूँ कौन ओ बिंदु ठार एक निर्दिष्ट दूरतार उक्त समतल अवस्थित समस्त बिंदुर सेट को वृत्त बा सर्कल बोली कह जाए। देख निर्दिष्ट दूरतार इन द सेन्स ओ टू जदि यहीटा को मुझे वृत्तटार ना देली एस एस वृत्त बोली कहूँ ये जो सर्कलटा तुम आगे अच्छी यहाँ ठीक अच्छे ना यहाँ को एस बोली कह तो फिर देख यो ओ टू बी रूरता से कहते एक निर्दिष्ट दूरतार दैट मीन्स ये जो एस वृत्त उपरे तुम्हारे ए बी सी डी के पर्यंत जहाँ भी मुझे ये समस्ते एस उपरिस्थ बिंदु एस उपरिस्थ बिंदु ठीक अच्छे ना एस उपरिस्थ बिंदु ओके गला गोटे पार्ट गला दे नेक्स्ट कथ हो शुण यो मूल बिंदु टू ठीक अच्छे ना जो मूल बिंदु ठारू ये समस्त बिंदु मानक दूरता सामान होान से कहे ना उक्त समतल अवस्था समस्त बिंदु मानक सेट को एक निर्दिष्ट दूरतार दैट मीन्स एटू बुझा पड़ जा ओ टू के इज इक्वाल टू ओ टू ए इज इक्वाल टू ओ टू बी इज इक्वाल टू ओ टू सी इज इक्वाल टू ओ टू डी
is equal to O to E is equal to O to F is equal to O to G. That means is the circle catalyst by the catalyst in a good move into it in O. So to go to this to Druta Nelly, suppose O to Kahu Druta. They move a Druta Kunigam the circle to go on Nelly. Right? Druta Dagum the Unconvoli. Okay. पर टोटल दूरता टाकू मुंह करने को ले ठीक अच्छी दैट मींस ओ टू के रो दूरता जहाँ हबो ओ टू बी रो दूरता मतलब एक्जेक्टली सत्ती की हबो क्लियर सेट में चाहूँ जन निर्दिष्ट दूरता इट इज नॉट दैट की ओ टू के जो दिख बी एवं के एस उपरिस्थ एक बिंदु होंती वृत्तो उपरिस्थ एक बिंदु होंती बा वृत्तर परिधि उपरिस्थ एक बिंदु होंती तबे ओ टू के रो दूरता और ओ टू बी रो दूरता समान हबो सिमिलरली ओ टू ए रो दूरता मध्ये समान को सहित समान होबा पय बाध्य हो नहले कोन हेतिबो ना गुटिए ओ टू के एति किथिबो आ गुटे एडी की बडो तो ये तो अलग वृत्त को अंकन करिवो एटा मध्ये आ गुटे अलग वृत्त को अंकन करिवो ठीक अछि ना जानि हला ओके देखो तो पर वृत्त कहा को हम जाना पड़ियला आ देखो वृत्त रो उपरिस्थ ना वृत्त होछि गडे असंख्य बिंदु मानकर समाहार रो सेट असंख्य बिंदु मानक काहे कि या पर केते भी बिंदु तमे जते केते भी लाइन एम जे ड्रा करि परिबो केते भी लाइन एमती ड्र कर ठीक अच्छे ना मो वृत्त उपरिस्थ कथा कहूँ या अंतस्थ बिंदु भी तो असंख्य थी या भितर बहुत गुड़ा बिंदु वृत्त अंतर्देश बहिर्देश विषय आलोचना कला बेले आम से विषय कथा हाँ बाकी बर्तमान जानी देवा कौन हो वृत्त क्या कहा जाए तो फिर आमको वृत्तर संज्ञा मिल गला पे अच्छा देख ये सिमिलरली गोटे कौन होना ये गोटे एस वृत्त अच्छे वृत्तटा हूँ एस तार केन्द्र बिंदु मुझे नहीं चुके एस जो जो बिंदु मूल बिंदु जो निर्दिष्ट दूरता अंकन कर दैट मीन ओ टू ए गोटे मोर दूरता पार्ट ओ टू बी आ गोटे ओ टू सी अनदर वन ठीक अच्छे तो फिर कौन ना देखो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कहीं जहाँ को नहीं कहीं यही मानक भितर कौन से गोटे दूरता ओ ए हो ओ बी हो ओ सी हो जेकोसी जनक दैर्घ्य को मापी नहीं तापर वृत्त अंकन एवं पाइली कौन ना बी आउ सी से वृत्त उपरिस्थ बिंदु दैट मीन्स ओ ए इज इक्वाल टू ओ बी इज इक्वाल टू ओ सी ठीक अच्छे बुझा पड़गला एत कथा जना पड़ा अच्छा देख दे वृत्तर व्यासार्ध क्या कह देख जो निर्दिष्ट दूरता कथा से कहला ना जो निर्दिष्ट दूरता कथा कहला जे गोटे मूल बिंदु नहीं सेउटु गोटे निर्दिष्ट दूरतार ठीक अच्छे ना गोटे निर्दिष्ट दूरता नी ठीक अच्छे तो ये जो ओ टू ए जो दूरता को नहीं मुझे वृत्त को अंकन करइट ये वृत्तर अंकन जो दूरता को नहीं होती ठीक अच्छे ये वृत्तर अंकन जो दूरता को नहीं होटा को कहूँ मुझे व्यासार्ध बोली कहूँ दैट मीन्स मूल यार कहार उद्देश्य हूँ व्यासार्ध आ कि नुह वृत्तर केन्द्र ठू वृत्तर परिधिस्थ दूरता को वृत्तर व्यासार्ध व रेडियस क्या या सिंबलिकली आर बोली आर द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए स्मॉल आर किसी किसी केसेस आम कैपिटल आर बोली लिखो आर फॉर रेडियस जनरली स्मॉल आर लिखो जितने दुईटा वृत्तर कंपैरिजन करूँ से जनरली आम कैपिटल आर गोटे को कैपिटल आर आ गोटे को स्मॉल आर बोली लिखो ठीक अच्छे अच्छा तापर यार सब आउ गोटे कथ ये आम जना पड़ेगा ओ हूँ वृत्तर केन्द्र ठीक अच्छे ना जो बिंदु को नहीं तुम कंपास जो पुट कर बनई ठीक अच्छे ना वृत्तर केन्द्र यू ओ को आम कौन हूँ वृत्तर केन्द्र ओ बोली कहीं बारंबार लिखुच ए लिखा हाँ लिख किसी असुविधा नहीं किसी भी संकेत द्वारा या तुम सूचे पार ओ कहीं लिखुच ओ रर्थ हूँ ओरीजिन मैंने ओ एटी ओरीजिन को बुझौज तो ओरीजिन ओ हूँ स्टार्ट लेटर अच्छे दैट्स वाई आम मैक्सीम टाइम वृत्तर केन्द्र को ओ संकेत द्वारा रिप्रेजेंट करू तुम्हें ता जगह ओ जगार किसी भी लिखिदि ए लिख बी लिख सी लिख के लिख लिखिदेव के हूँ वृत्तर केन्द्रबिंदु सरगला कौन अच्छे देखो एगुड़ाक हूँ गोटे मात्र सिंबल राइट एमती स्ट्रिक्टली किसी गोटे जो अच्छे जमी धर जो आम तुम कहीपर त्रिभुज आम एम सिंबल यूज करे हाँ यहाँ स्ट्रिक्ट रूल त्रिभुज तुम एमती लिख देखा हूँ त्रिभुजर सिंबल यहाँ हूँ गामार सिंबल सपोज ये बीटार सिंबल यहाँ हूँ आलफार सिंबल तो युवाक सब गोटे गोटे सिंबल बाकी कौन होना ये जब तुम लिखिद आलफा बोली राइट तुम कि क्लारीफाई करने पड़ो आलफा हूँ वृत्तर केन्द्र तुमको क्लारीफाई करने पड़ो जनरली तुम एक केसेस जहाँ भी लिख तुमको क्लारिफिकेशन देवाई पड़ो जो कौटा को केन्द्र बोली नहीं चो ठीक अच्छे चलो देख नेक्स्ट कथा तर वृत्तर केन्द्र जहाँ दैट मीन मोर कह कथ वृत्तर केन्द्र ठारू
वृत्तर केन्द्र ठारू ठीक अच्छे ना वृत्तर परिधिस्थ दूरता को परिधि बोले ठीक अच्छे तार जो माउंटेनटा ठीक अच्छे दूरता को वृत्तर व्यासार्ध बोली कहुए आ व्यासार्ध सर्वदा एक धनात्मक संख्या एवं व्यासार्ध हूँ गोटे रेखाखंड दैट मीन्स यार आद्यबिंदु आ प्रांतबिंदु अच्छे दुईटा प्रांतबिंदु अच्छे तुम्हें जमी कौ कौ आद्यबिंदु गोटे नहीं कि आ गोटे को प्रांतबिंदु कहीपर बोध हूँ प्रांतबिंदु तुम कहीपर ठीक अच्छे ना तुम्हें गोटे जिनस क्लीयर है कौन ना वृत्तर केन्द्र रु वृत्तर परिधिस्थ दूरता को वृत्तर व्यासार्ध बोली कह जाए सिंबोलिकली या आर द्वारा आम रिप्रेजेंट करूँ कौन केसेस स्मॉल आर लिखुचु कौन केसेस कैपिटल आर लिखुचु स्मॉल आर जनरली गोटे सिंगल वृत्त जब नहीं कहते जेनराली आम स्मॉल आर बोली लिखु एमती भी लिखिपर एमती लिख जे जमी आर लिखे आ कौन अच्छे ठीक अच्छे डिपेंड कै तुम उपरे ठीक अच्छे जमी तुम आर लिखुच एमती लिखिपार एमती लिखिपार ठीक अच्छे ओके अपार्ट फ्रम दैट कि जदि दुईटा वृत्त को कंपेयर करूवा से आम कौन करूँ गोटे वृत्तर परिधि व्यासार्ध को स्मॉल आर लिखिदेव आउ गोटे वृत्तर व्यासार्ध को कैपिटल आर लिखिदेव एमती कौटी आर वन आर टू आर थ्री एमती भी लिखु डिपेंड करे आउ वृत्तर व्यासार्ध सर्वदा एक धनात्मक संख्या बोले मन रखि जाओ दूरता केवे नेगेटिव हुए समय केवे नेगेटिव आसवे आंसर किसी मैथर किसी पर्टिकुलर जिनस मन रखा जो भी तुम एग्जाम सल्व क्वेश्चन सल्व करथु तेज दूरतार आंसर जब गोटे दूरता कैलकुलेट करार अच्छे कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर मे बी सेट मे बी इट इज नॉट श्योर मे बी गोटे पॉजिटिव आंसर में आसो गोटे नेगेटिव आंसर में आसो तो आम जनरली कौन करूँ नेगेटिव आंसर को कनसीडर करूँ ना कनसीडर करूँ ना आम जनरली पॉजिटिव आंसर को कनसीडर करूँ राइट फॉर एग्जांपल सपोज मु कहली गोटे कहूँ जे हूँ ए टू बी गोटे दूरता ए आउ बी दूरता केते ना ए बी क्वेश्चन से कहूँ ना यार वर्गमूल चार वर्गमूल चार वर्ग मूल हेउची ए बी रेखाखंडर दूरता रेखा खंडर दूरता सेंटीमीटर रे सीएम रे दैट मीन्स तुम कौन कर ए बी लिखिद इज इक्वाल टू रुट ओवर ऑफ फोर लिखिद अच्छा रुट ओवर ऑफ फोर एक्चुअली प्लस और माइनस फोर टू हवा कथा रुट ओवर फोर मैंने तुम कितनी लिख सब टू ना कहीं लिख एक्चुअली दूरता केवे नेगेटिव तुम गोटे कम कल माइनस टू सेंटीमीटर तुम निज कपी ड्र कर देख लाइनास फाइव सेंटीमीटर ड्र कर देख लूरता केवे नेगेटिव हुए ठीक अच्छे ना छुआ दूरता केवे नेगेटिव हुए ना ओके ओके देख तो से कह जेहेतु व्यासार्धटा हूँ तुम गोटे दूरता को बुझौ ठीक अच्छे तेनाली से सब कौन हाँ ना धनात्मक संख्या हम एक दुई हूँ व्यासार्ध हूँ गोटे रेखाखंड दैट मीन तार स्टार्टिंग एंड पॉइंट जना अच्छे क्लीयर ओके देन व्यासार्ध जदि आसला से आउ गोटे कनसेप्ट आसो कौन पे ना ज्या क्या कह चोड बोली कहते कई कई कोड बोली कहते ठीक अच्छे प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करे कहीं जेनराली आम जो इंग्लीश एम टी आई इनफ्लुएंस चले मदर टंग इनफ्लुएंस जो कहे राइट देख प्रथम लाइन टाक बड़ खाली वृत्तर दुईटी पृथक बिंदुर संयोजक रेखाखंड को वृत्तर एक ज्या बोली कह जाए वृत्तर दुईटी पृथक बिंदुर धर जाओ मुझ प्रथम यहाँ हूँ एस वृत्त मोर राइट यहाँ हूँ गोटे एस वृत्त या पर मुझ दुईटा बिंदु नेली गोटे वृत्त उपरिष्ठ बिंदु ये जो लिखाई नहीं वृत्तर दुईट पृथक बिंदुर एक्चुअली यहाँ हूँ वृत्तर उपरिष्ठ बिंदु वृत्तर अंतर मुझे ये गोटे नहीं कह भी गोटे जाना कौन ना ये एक्चुअली ये तुम बहुत एक्चुअली पिक कराई एक्चुअली यहाँ हूँ वृत्त उपरिष्ठ बा वृत्त परिधिस्थ एमती लिखीद पारे ठीक अच्छे ठीक अच्छे वृत्तर वृत्तर परिधिस्थ परिधि उपरिष्ठ परिधिस्थ दुईटी पृथक बिंदुर संयोजक रेखाखंड को वृत्तर ज्या कह जाए तो फिर ये गोटे बिंदु नहीं वृत्त ये गोटे नहीं मुझे को कौन कली ना हूँ जोग करदे ठीक अच्छे कौन कल बोले ना जोग करदे ठीक अच्छे चलो देख ठीक अच्छे ओके देख बर्तमान ये कौन हो ये जो पॉइंट दुटा को मुझे नहीं गोटे पॉइंट नहीं गोटे जो पॉइंट नहीं दुटा पॉइंट को नहीं दुटा पॉइंट को
ଯୋଗ କରିବାରୁ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ମୋତେ ମିଳିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବୃତ୍ତରେ ଯାହା କହିବି। ସାର୍ କେତେଟା ଯାହା ଅଙ୍କନ କରିହେବ? ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବୃତ୍ତର ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ଏମିତି ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାର। ସପୋଜ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ଯାହା ଅଙ୍କନ କରିହେବ ଦେଖେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି କେତେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ କହୁଛି। କିଛି ଯେଉଁଟା ତା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କନସିଡ଼ର କରିନିଅ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବି, ଦେଖ ସେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଫିନେସନରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁର କୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବା ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ଯା, ରାଇଟ୍। ତ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ତ ଗୋଟିଏ ଯା ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର? ନା ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେତେଟା ଯା ଅଙ୍କନ କରିହେବ? ନା ଅସଂଖ୍ୟ। ଯା ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ରାଇଟ୍। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯାହାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ କେଉଁଠୁ ଶେଷ କରିବ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ନା। ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ବ୍ୟାସ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ କହୁଛ ମାନେ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କେଉଁଠି, ତା'ର ଏଣ୍ଡ କେଉଁଠି ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କରେ, ନହେଲେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବ, ରାଇଟ୍। ତ ଫେର ଏଠି ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ତ ଯାହାର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ, ବୃତ୍ତର ପରିଧିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁକୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ଯା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଥା ଆସିଗଲା, ଦୂରତାର କଥା ଆସିଗଲା, ତ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବ, ରାଇଟ୍। ଓକେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବ। ଓକେ ଦେଖ, ଦେନ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପଳେଇ ଆସ। ବ୍ୟାସ, ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଯାଆରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ଯାଆରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯା ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯା ଅଙ୍କନ କଲି, ଚଳିବ। ଓକେ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ବି ଯା ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ରାଇଟ୍। ସେ ଯାଆଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ଓ ଅରିଜିନ୍ ଓ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି। ସେହି ଯାଆଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ଯାଆରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଯାଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ, ଦେଖ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତା'ର ବ୍ୟାସ ଥିବ, କେତେଟା ବ୍ୟାସ ଥାଇପାରେ, ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାସ ଥାଇପାରେ। ସପୋଜ୍ ଏନ ଦେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଯାଉଛି, ଓକେ ୱେଟ୍ 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 ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏମିତି ହେଇପାରେ। କେତେ ବି ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ, ତଥାପି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଥିବ? ହଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଥିବ, ମାତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଇଥିବ। ଦେଖିଦେବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆଗକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ନେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖିବା, ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁ ଯେତେଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଯେତେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତୁମେ ନେଉଛନ୍ତି, ଓ ଏ ଓ ବି ଓ ସି କେତେ ବି ନେଇନିଅ, ସବୁଗୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ, ଏତିକି କଥା ତ ଆମକୁ ଜଣା ଥିଲା। ଏଠି ବ୍ୟାସ କଥାର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା, ଏହାର ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ବ୍ୟାସର ଡେଫିନେସନ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେଉଁ ଜିଆ ଉପରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଜିଆକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେହି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଯା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିଲା, ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଯାଆକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ସେ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ଆର୍ ଏକକ ହେଲା, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନେଲି ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ ନା ଆର୍ ଏକକ, ରାଇଟ୍। ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମୁଁ କହୁଛି ଆର୍ ଏକକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖିବା ଆର୍ ଏକକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଚଲୋ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଏଠି, ଏଇଟାକୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ମାନି ନେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ କ'ଣ କଲି ପିଲେ ନା,
ओके चलो शुण भलसे ए देखे कौन कहे शुण यहाँ हूँ वृत्तर ओरिजिन ओ यहाँ हूँ मोर ए बिंदु ये हूँ मोर बी बिंदु राइट अच्छा जदि यहाँ ओरिजिन हुए बा केंद्र बिंदु हुए तो फिर ओ टू ए को सपोज जदि मु आर बोली एकक बोली कहूँ तो पिले ओ टू बी आर एकक हम ना ना कहीं आम कि समय पूर्व करते ओए एटि कौन ओए ओ ए बी ओ बी राइट हूँ कौन पिले ना व्यासार्ध बा रेडियस कौन पिले ना व्यासार्ध ठीक अच्छे तो फिर ओए दैर्घ्य जहाँ हम ओ बी दैर्घ्य से हम जदि ए बी ए केसेस रे जदि ए बी ठीक अच्छे ए केसेस रे जदि ए बी एक रेखाखंड हुए एक रेखाखंड हुए ताहले ए बी ए वृत्त पाई व्यास हो कहीं ना ए बी हूँ देख वृत्तर ए बिंदु ए बी रो ए बिंदु एवं बी बिंदु वृत्त उपरिस्थ बिंदु वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईट बिंदु को जोग कले जो रेखाखंडटा मिल आम ज्या बोली कह जो ज्याटी वृत्तर केन्द्र दे जो ज्या वृत्तर केन्द्र अवस्थित ताको आम वृत्तर व्यास बोली कहू तेणु ए बी व्यास हो गला क्लियर तो ए बी रो दैर्घ्य एक्चुअली पिले ए बी जगह एक्चुअली के ना ओए प्लस ओ बी राइट अच्छा तो फिर ओए जगह पिले आर लिखी हम प्लस ओ बी जगह भी आर एकक लिखी हम के आसला पिले ना टू आर एकक दैट मीन्स तुम आगर पढ़ी चाह जिन जे वृत्तर जदि गोटे वृत्तर जदि व्यासार्ध जदि पाँच सेंटीमीटर तेल व्यास के दस सेंटीमीटर तार दुई गुण जदि वृत्तर व्यास देती ट्वेल्व सेंटीमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर व्यास कहे ट्वेल्व सेंटीमीटर तो फेर व्यासार्ध के सर सिक्स सेंटीमीटर क्वाइट सिंपल जिनस एथर किसी भावार ना आमर राइट बहुत सिंपल कनसेप्ट तो सिक्स सेंटीमीटर हम तो एक्जाक्टली सेम सिचुएसन ये गोटे वृत्तर व्यासार्ध जदि आर एकक व्यास तार टू आर एकक क्लियर नेक्स्ट पार्ट को चल कौच वृत्तर अंतर्देश दैट मीन्स ये आम डिस्कस करवा वृत्तर अंतर्देश आ वृत्तर बहिर्देश कथा देख गोटे वृत्तर ना तीन टा पार्ट छुआ थाएँ तीन टा पार्ट थाए कौन खाली अंतर्देश बहिर्देश ना आ गोटे था वृत्त उपरिस्थ मो कथा शुणुन भलसे अच्छा पिले जदि मु देख वृत्त भितर जिते गुड़ा बिंदु रहा यही सब गुड़ाक मुझे कहली वृत्तर अंतर्देश वृत्त बाहर को ये क्यू अच्छी ये आर थपे ये एस थपे ये टी थपे ये जेड थपे ये सब बिंदु गोटे गोटे थपर रईट युवा सब होगा हूँ वृत्तर बहिर्देश तेज ये जो लाइनटा वृत्त परिधिटा यहाँ कौन ना अंतर्देश ना बहिर्देश जो लाइनटा ना आमर ना सी अंतर्देश गला ना बहिर्देश गला तो सीटा हूँ वृत्तर उपरिस्थ वृत्तर तेल गोटे तीन टा पार्ट आमको मिल गोटे वृत्त अंतर्देश मिल गोटे वृत्तर बहिर्देश मिल गोटे वृत्तर उपरिस्थ मिल ठीक अच्छे तीन टा पार्ट आमको वृत्तर मिल ठीक अच्छे ना दैट मीन वृत्त उपरिस्थ कहला मैंने परिधि उपरिस्थ जिते सब बिंदु अच्छे आम कौन कौन हूँ वृत्तर वृत्त उपरिस्थ बिंदु ठीक अच्छे वृत्तर अंतर्देश डेफिनेशन देख वृत्तर केन्द्र ठार् वृत्तर समतल उपरिस्थ जो समस्त बिंदुर दूरता एक दूरता उक्त वृत्तर व्यासार्ध ठार् क्षुद्रतर से ही से गुड़ी वृत्तर अंतस्थ बिंदु बा इंटेरियर पॉइंट्स बोली कह जाए एग्जांपल कौन शुभ आराम से बुझे बोले देख देख ये वृत्त उपरिस्थ बिंदु सपोज ये गोटे नहींगली यहाँ हूँ ए राइट ठीक अच्छे ना ए बोली नहींगली दैट मीन्स जदि पिले ओ टू ए ओ बिंदु मु ए को जदि जोग कर देबी ताले मोर कोन मिलिव ओ ए केंद्र होजी ओ दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू डी आर एकक ठीक बुझिगल आर एकक अच्छा एटा होजी मोर आर एकक जोंटा के होजी मोर व्यासार्ध वृत्त भितरे जते गुडाक बिंदु अछि धर दे एडी पी अछि मु याकु जोग कर देबी एटू ओ टू एडी ओडा अछि ए अछि एडी ओडा बी बिंदु अछि ताकु जोग कर देबी एडी एति पर्यटन ये गोटे सी बिंदु अच्छे जोग करदे ये नहींगली ये गोटे डी बिंदु अच्छे
ये समस्त बिंदु ना वृत्त भितरे जते गुडा बिंदु अछि से बिंदु को जदि केंद्र सहित आम जोग करिवा तले हमको गोटे गोटे रेखाखंड मिल जमी ओ ए मिली सरी ओ बी मिली ओपी मिलला ओ सी ओ डी एम रेखाखंड गोटे गोटे मिल ये सबू रेखाखंड दैर्घ्य ओ ए रैर्घ्य ठारू वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य ठारू निश्चित भाव क्षुद्रतर हेबो ठीक अच्छे जदि क्षुद्रतर है तेब जा सी हम अंतर्देश जदि बृहत्तर हो गला तेल सी हम वृत्तर बहिर्देश सपोज ओ टू आर जॉइन कर देली ए केसेस रे मु कोन पाइबी ना ओ आर ग्रेटर देन ओ ए ता ओ ए न लेखि एडी लेखि पारे मु आर लेखि पारे दैट मींस एठी जो आर बिंदुटा ये होला तुमर कोन होजे ना वृत्तर बहिर्देश सिमिलरली जदि ओ एस ग्रेटर देन ओ ए बा आर लेखि पारे या जगह रे दैट मींस एस बिंदुटा आर थारु माने होची तुमर कोन होजे वृत्तर बहिर्देश क्लियर तो वृत्तर अंतर्देश जदि कहिबो ताहाले वृत्तर व्यासार्ध ठारु सही जो बिंदु मानकर जो बिंदु मानकर दूरता वृत्तर व्यासार्ध ठारु कम सही बिंदु गुडाक हो वृत्तर अंतर्देश जो गुडाक वृत्तर व्यासार्धर दूरता सहित समान हो जीवो से माने हे वृत्तर उपरिस्थ आउ जो मानकर दूरता जो बिंदु मानकर दूरता केन्द्र बिंदु ठारु बा मूल बिंदु ठारु आ ओरिजिन ठारु व्यास मानक दूरता व्यासार्धर दूरता ठारु व्यासार्धर दैर्घ्य ठारु बड़ बा व्यासार्ध ठारु बड़ से बिंदु गुडा हो वृत्तर बहिर्देश क्लियर देखिए ये गोटे कौन लिखी ना अर्थात केन्द्रबिंदु ओ या वृत्तर व्यासार्ध आर एकक उक्त समतलस्थ एक बिंदु पी लगी जदि ओपी लेस देन आर हुए ओ टू पी लेस देन ये दैर्घ्यटा जदि आर एकक कम हम तेब पी उक्त बिंदुर वृत्तर अंतस्थ बिंदु हम वृत्तर अंतस्थ बिंदु मानकर समाहार को वृत्तर अंतर्देश कह जाए अंतस्थ बिंदु जानले अंतर्देश कौन ना से अंतस्थ बिंदु मानकर समाहार होला वृत्तर अंतर्देश कौन क्लियर नेक्स्ट पार्ट देख वृत्तर बहिर्देश सेम कनसेप्ट अलमोस्ट डिस्कस कर सारी आम ना वृत्तर केन्द्र ठार वृत्तर समतल उपरिस्थ जो बिंदु मानकर दूरता वृत्तर व्यासार्ध ठार बृहत्तर से गुड़ी वृत्तर बहिष्ठ बिंदु कह जाए सिमिलरली से ही बहिष्ठ बिंदु मानकर समाहार सेट को कौन कह पे ना हूँ वृत्तर बहिर्देश कह सपोज ये गोटे अच्छे यहाँ हूँ ओरिजिन ये गोटे आर बोली गोटे अच्छी ये ए अच्छी ये सी अच्छी डी अच्छी ये क्यू क्यू तो नहीं सारी बोले ये धर एस बिंदु गोटे अच्छी ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे तो फिर देख ओ टू आर रूरता ये गोटे बिंदु अच्छे एगुटा सब गोटे गोटे बिंदु अच्छे राइट राइट ओ टू आर दूरता एम भितर रिलेसन को किए बड़ हो पारे निजे निज भर बड़ धर जाओ ओ आर ग्रेटर देन ओ एस हो पारे से आमर किसी जाए ना बट वृत्त उपरिस्थ बिंदु जोटा से वृत्त व्यासार्ध दैट मीन से आर एक सपोज ये मोर इ राइट ओ जदि ओ लेस देन ओ आर हे तो आर हे ठीक अच्छे ना यहाँ हूँ स्मल आर आर हो कैपिटल आर हो मोर कौन हो वृत्तर बहिष्ठ बिंदु जदि ओ लेस देन ओ ए हम ओ टू ए बोले ओ टू ए ठीक अच्छे ना ओ ए हम तेल ए हो मोर वृत्तर बहिष्ठ बिंदु ये आर है बहिष्ठ बिंदु ये ओ बहिष्ठ बिंदु सिमिलरली सी बहिष्ठ बिंदु ये डी बहिष्ठ बिंदु ये एस बहिष्ठ बिंदु सरला सिमिलरली वृत्तर जो बिंदु गुड़ाक वृत्तर कौन हो ना ये बहिष्ठ बिंदु वृत्तर बहिष्ठ बिंदु मानकर समाहार सेट को कौन कह वृत्तर बहिर्देश सरला देख ये मन रखा उचित जो वृत्त यार अंतर्देश व्यतीत समतल अन्य समस्त बिंदु मान वृत्तर बहिष्ठ बिंदु कह जाए वृत्त दैट मीन वृत्त उपरिस्थ एवं वृत्तर अंतर्देश को छाड़देलापर आउ जक रहीगला सब गुड़ा हूँ वृत्तर बहिर्देश सरला वृत्त उपरिस्थ बिंदु पिला पूर्व आम डिस्कस कर सारी वृत्तर परिधि उपर जिते गुड़ाक बिंदु थी आ सब गुड़ाक से बिंदु गुड़ाक जोग करदेव तेल से दैर्घ्य वृत्तर व्यासार्ध सहित सामान कहीं से हूँ वृत्तर व्यासार्ध राइट ओके ओके दैट्स इट फॉर द डे नेक्स्ट क्लास यार आउ रिमेनिंग पार्ट को आम डिस्कस करवा ओके थैंक यू।